अयोध्या में होने वाले 8वें दीप उत्सव को लेकर टीएमसी का बयान सामने आया है। दीपावली के दौरान होने वाली आतिशबाजी और अन्य उत्सव गतिविधियों से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली के दिन प्रदूषण स्तर का विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि इसके प्रभावों का अध्ययन किया जा सके। यह कदम न केवल पर्यावरण की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि लोगों को भी जागरूक करने में मदद करेगा कि वो त्योहारों का आनंद लेते समय अपने आसपास के वातावरण का भी ध्यान रखें। दीपोत्सव के आयोजन के दौरान हर संभव प्रयास किया जाएगा कि उत्सव का आनंद लेते हुए प्रदूषण को न्यूनतम रखा जाए। आपको बता दें कि टीएमसी ने अयोध्या वासियों से अपील की है कि वो दीपावली के दौरान ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करें। उन्होंने बताया कि बड़े पटाखे छोड़ने में वायु प्रदूषण बढ़ता है जो स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। उन्होंने सभी से अनुरोध किया है कि वो नियंत्रित और सुरक्षित तरीके से त्यौहार मनाएं और सड़क सुरक्षा का भी ध्यान रखें। हम एक सुरक्षित और हरित दीपावली का जश्न मनाएंगे। इस वर्ष की दिवाली विशेष है क्योंकि रामलला अपने मंदिर में स्थापित हुआ है। बहुत खुशी का अवसर है, दीपोत्सव का त्यौहार मनाया जा रहा है अयोध्या में और हम सभी अयोध्यावासियों को इस पुनीत अवसर पर शुभकामनाएँ देते हैं और उम्मीद करते हैं कि दिवाली सकसम सुन उत्सव पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा इस दिवाली में जो भी इम्पैक्ट आएंगे दिवाली के उसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इस दिवाली पोस्ट दिवाली और दिवाली के दिन पर्यावरण पर जो भी नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा उसका अनुसरण करेंगे हम और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वह सूचित करेंगे बाद में। अभी मैं सबसे अपील ये करता हूँ कि दिवाली पर ग्रीन पटाखे छोड़ें, अपने बच्चों पर ध्यान दें, उनकी सुरक्षा का बड़े पटाखे न फोड़ें जिससे वायु में प्रदूषण बढ़े और नियंत्रित अनियंत्रित कोई काम ना करें, रोड सेफ्टी का ध्यान रखें और इस आशय के साथ कि दिवाली सबके लिए हितकर हो, दिवाली से कोई बैड इम्पैक्ट ना आए पर्यावरण पर उनके हेल्थ पर और ये हमारी कामना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अयोध्या की दिवाली शांतिपूर्ण होगी माहौल में और प्रदूषण से निजात मिलेगी।